हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि जो सांवली रंगत की जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो औरतें होती हैं फ्रेंड्स, वो सोचती हैं कि हमारी स्किन का जो कलर है वो काफ़ी हद तक सफ़ेद हो जाए, गोरा हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, उनको ये नहीं पता होता है कि उनका जो रंग है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसके साथ में छेड़छाड़ ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, अगर कहीं आप पार्टी या शादी में जा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं तो फ्रेंड्स आप मायूस नहीं होंगे। आपको मेकअप करने की जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी कि फ्रेंड्स, जब आप इन टिप्स को फॉलो करके मेकअप करेंगे और फ्रेंड्स, जब आप किसी शादी पार्टी में जाएंगे तो आप किसी गोरी रंगत वाली को पीछे छोड़ देंगे, तब आपको देखकर हैरान रह जाएंगे और आपको पहचान भी नहीं पाएंगे कि फ्रेंड्स कि आप वही हैं जिनका रंग इतना ज़्यादा सांवला था। तो चलिए मैं आज उन टिप्स को आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जिससे आप सांवली रंगत वाली जो लेडीज़ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो किस तरह से अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसको दबा देंगे तो फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सांवली महिलाएं मेकअप के लिए लिक्विड फाउंडेशन का प्रयोग करें, जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको हमेशा लिक्विड फाउंडेशन लेना है, आपको क्रीम बेस्ड फाउंडेशन नहीं लेना है। ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर आपको अपनी स्किन टोन से मेल खाता और फाउंडेशन नहीं मिलता है तो आप दो रंगों के फाउंडेशन को मिलाकर एक अच्छा सा रंग बना सकती हैं। फाउंडेशन लगाने से पहले चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाइए, जिससे आपकी त्वचा पर जो ग्लो है वो बनेगा, ग्लो की बेस बनेगी और फ्रेंड इससे आप जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। फ्रेंड, जब आप फाउंडेशन लगा लेंगे तो उसके बाद में आपको 2 से 3 मिनट तक वेट करना है। इसको आपको अच्छे से अपनी स्किन पर सूखने दीजिए, यानी कि आपने थोड़ा सा इसको अपनी स्किन में सेट होने देना है। त्वचा पर लिक्विड फाउंडेशन लगाने के बाद उसे सुखाइए। उसके लिए आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉम्पैक्ट पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। फ्रेंड्स, आपकी स्किन का जो टोन है, आप जब फाउंडेशन लेते हैं और कॉम्पैक्ट पाउडर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपने अपनी स्किन से मेल खाता हुआ, मैच खाता हुआ फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट नहीं लेना है। उससे थोड़ा ज़्यादा टोन का आपने, यानी कि अगर आपकी स्किन कलर सांवला है तो थोड़ा सा हल्का सा व्हाइटपन पर जो होता है शेड 1 अगर आपको मैच हो रहा है तो आपको शेड 2 लेना है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको शेड 2 लेना है कॉम्पैक्ट में भी और फाउंडेशन में भी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपने पास हमेशा फेस पाउडर रखें, इससे आपके स्किन पर चिपचिपा और ऑयलीपन नहीं आएगा, वह हमेशा ड्राई बनी रहेगी। दूसरा, आपने जो आप फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट के बाद में बारी आती है गालों को ब्लश करने की, यानी कि आपके चिप्स को ब्लश करने की। चेहरे पर हमेशा ब्लशर लगाना सही नहीं होता है, मगर कभी कभार पार्टी में जाने से पहले आप इसका यूज़ कर सकती हैं। एक सुंदर सा लुक इससे आप पा सकती हैं। चेहरे को ब्रश करने के लिए आपने डीप ऑरेंज, जो सांवली रंगत वाले होते हैं उनके लिए डीप ऑरेंज कलर इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, उनकी स्किन पर बहुत अच्छा लगता है। वाइन या फिर कोरल रंगों का आप यूज़ कर सकती हैं, इससे आपकी त्वचा में निखार आएगा, आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जो सांवली रंगत वाली लेडीज़ होती हैं उनको चाहिए कि वो लिपस्टिक जब अपने लिए लेने जाती हैं तो फ्रेंड्स उसका भी जो चुनाव है वो बहुत ही हिसाब से करना चाहिए। जिन लेडीज़ का या जिन गर्ल्स का रंग डार्क हो उन्हें पैल कलर्स यानी हल्के रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको लिपस्टिक लगाना पसंद है तो आप डार्क कलर की ही लिपस्टिक लगाएं, जैसे वाइन, रेड प्लम और ब्राउन आदि। आपके जो रंग हैं ये आपकी सुंदरता को इतना खूबसूरत उभार देंगे फ्रेंड्स कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होते हैं जो हम फॉलो करेंगे तो हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना पाएंगे। फ्रेंड्स, बारी आती है आईब्रो की। डार्क रंग वाली महिलाएं मेकअप के दौरान अपनी आईब्रो को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अपनी आईब्रो को शेप देने के लिए आप पेंसिल और पाउडर का प्रयोग कर सकती हैं। सुंदर जो हमारी आईज होती हैं वो हमारी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आप अपनी आँखों के नीचे काजल ज़रूर लगाइए। आपने अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर का भी ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप डार्क कलर की लिपस्टिक लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स आपने या तो उसी शेड की लाइनर को लेना है या फिर आप उससे थोड़ा सा डार्क कलर का लाइनर लगा सकते हैं। ऐसा करने से फ्रेंड जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, जब आप इस तरह से मेकअप करेंगे तो फ्रेंड्स आप इतने ब्यूटीफुल रहेंगे कि हर कोई सामने रंगत वालों की तारीफ करने लग जाएगा, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगा और आप अपनी पार्टी में सबसे अलग ही नजर आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की टिप्स जो मैंने आज आपके साथ में शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से आपके साथ में और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड, गुड बाय।